देखो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने फिर से एक बार है ना। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ और यही हमें सीखना चाहिए। थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन कुछ इजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं, कुछ थोड़ा माइंड यूज करने वाले क्वेश्चन भी हमारे सामने। देखो, इफ ए पॉजिटिव फंक्शन एफ सेटिस्फाइज, है ना, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स वन बाई एफ एक्स डी एक्स, है ना। मतलब f जो फंक्शन है ये पॉजिटिव फंक्शन है, यानी एफ एक्स की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। और देखो क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स वन अपॉन एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ए टू वन वन अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट टू। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ एक्स क्या होगा ये हमको मालूम करना है। देखो ध्यान दो, हमें फंक्शन को मालूम करना है। तो देखो, जैसे हम एक बार फिर से वही अपना लेवेनीज रूल सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स वन अपॉन एफ एक्स डी एक्स, है ना। जनरली क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होता है वो टी के टर्म में होता है और यहाँ पर डी टी होता है, जनरली ऐसा होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको भी एक्स में दिया है और ये भी डी एक्स में दिया है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेवेनीज रूल हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये फंक्शन टी के टर्म में होता है, ये डी टी होता है, है ना, यहाँ पर ये एक्स के टर्म में है, ये डी एक्स में है, तब भी हम यहाँ पर लेवेनीज रूल को देखो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो लेवेनीज रूल क्या कहेगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो एक्स की जगह पर अपर लिमिट एक्स तो वन अपॉन एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन वन, इसकी जगह पर लोअर लिमिट ए और उसका डिफरेंशिएशन जीरो, ध्यान दो, है ना। तो क्या है, देखो एक्स की जगह पर अपर लिमिट एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन और एक्स की जगह पर लोअर लिमिट ए और उसका डिफरेंशिएशन जीरो। देखो यहां से हमें क्या मिला, ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू वन बाई एफ एक्स। अब देखो जरा यहां पर ध्यान दो, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई है मान लिया, तो देखो जो एफ डैश एक्स है ये हमारा हो गया टी वाई बाई टी एक्स, है ना। अगर हम एफ एक्स को वाई मान लें तो एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान दो। तो देखो क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन है ये एक तरीके से बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई वाई, ऐसा देखो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब देखो ये हो गया y into dy बराबर dx। एक्चुअली क्या होता है, आगे चल के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, है ना, ठीक है। ये अगर आप अभी 12th में हैं तो कोई बात नहीं, इतना आपको आइडिया होगा, आप फिजिक्स में भी करते हैं इतना, कि y के टर्म dy के साथ में और मतलब x के टर्म dx के साथ में, है ना, ऐसे कर देते हैं। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो परेशान मत हो, अभी इतनी बात सीख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आगे चल के पता नहीं क्वेश्चन हमारे सामने आए कि ना आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो y के टर्म को dy के साथ में और कांस्टेंट को x के ds के साथ में ले लिया। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस एक कांस्टेंट k आएगा। देखो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2x प्लस 2k। हमें क्या चाहिए, हमें fx चाहिए, fx fx का मतलब हमें y चाहिए, हमने fx को y मान लिया है, तभी देखो यहां पर f डैश x क्या हो गया था, dy dx हो गया था। तो हमें y चाहिए, y का मतलब हमें fx चाहिए। देखो अब जैसे हमें यहां पर इस k की वैल्यू को निकालना होगा, देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर हम इसमें ध्यान दें इस वाले में और अगर हम इसमें x को 1 रख दें तो हमें f1 मिल जाएगा। अब देखो f1 की वैल्यू क्या होगी, a टू 1 1 बाई एफ एक्स डी एक्स। ये बात ध्यान देना, जैसे यहां पर ये हमारा एफ एक्स दिया गया है और अगर हमें f1 निकालना है तो x की जगह 1 यहां रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, है ना। जो फंक्शन होता है अगर हमें x की जगह 1 रखना है तो f1, तो अगर इंटीग्रेशन की लिमिट में x है तो उस x की जगह 1 रखेंगे,
ये मत समझना यहाँ वन रखेंगे, यहाँ वन नहीं रखेंगे, ध्यान देना। तो x की जगह वन रखेंगे, देखो f वन हो गया और इंटीग्रेशन a टू वन वन अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू देखो रूट टू दी गई है। तो f वन और देखो इस पूरे की वैल्यू हमें यहाँ पर देखो रूट टू दी गई है, ध्यान दो। तो f वन इक्वल टू रूट टू है, मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर वन पर y की वैल्यू रूट टू हमें देखो यहाँ पर दी गई है। f वन बराबर रूट टू यानी x बराबर वन पर y की वैल्यू हमें रूट टू दी गई। देखो यहाँ पर अगर हम इसमें x को वन और y को रूट टू ले लें तो क्या हुआ, देखो ये हो गया टू बराबर टू प्लस टू के, तो टू के बराबर जीरो, तो k बराबर हो गया जीरो। अब k बराबर जीरो अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x, और y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो अंडर रूट टू एक्स, यही हमारा एफ एक्स है। तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, अंडर रूट टू एक्स, यही देखो वैल्यू हमें एफ एक्स की चाहिए। हमें फंक्शन चाहिए था तो मतलब हमें y चाहिए था, y निकालो या एफ एक्स निकालो बात बराबर है, वही देखो हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।